लाइस uh, आप सबको सब मालूम होगा इसका मीनिंग क्या है अगर नहीं मालूम तो मैं बताती चलूँ कि लाइस हम चूहों को बोलते हैं ये बेसिकली इंसेक्ट्स होती हैं जो कि आपके बालों में आ जाती हैं कई रीज़न्स होती हैं इसकी लाइक uh, like, अगर एक दो की बात करें वजूहत uh, की तो uh, बालों को जो है वो गंदा रखने से आ जाती हैं uh, या आप बालों को अगर uh, गीला छोड़ देते हैं गीला छोड़ के बांध देते हैं बालों को uh, तब भी जो है ये uh, आ जाती हैं तो वर्ड है लाइस ठीक है मैंने बहुत से लोगों के इसके मुंह से सुना कि जब वो ज्यादा जूं की बात करते हैं तो वो लाइसिस का वर्ड यूज कर लेते हैं ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है अगर आप एक जू की बात करें तो आपने लाउस का वर्ड यूज करना है लाइसिस नहीं बोलना द सिंगुलर ऑफ लाइस इज़ लाउस ज्यादा जूओ की बात करते हैं तो लाइस एक चूह की बात करती हैं तो लाउस का वर्ड यूज करना है आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ना मूव टू वर्ड सेंटेंसेस हम सेंटेंसेस में देख लेते हैं इससे रिलेटेड मैं उसके बालों में से चूहे निकाल रही हूं यानी ज्यादा जूं की बात कर रहे हैं तो आई एम रिमूविंग लाइस फ्रॉम हर हेयर ठीक है यहां लाइस का वर्ड मैंने यूज किया नेक्स्ट इसका ताल्लुक नज़र से भी आ जाता है यानी आपकी आई साइट ठीक होगी तो आप जो है वो लाइफ को जो है वो देख सकेंगे तो सेंटेंस देख लेते हैं क्या है मेरे दूर की नज़र कमज़ोर है आई एम शॉर्ट साइटेड नेक्स्ट मेरी करीब की नज़र कमज़ोर है आई एम फास्ट साइटेड आई थिंक आपको आज के सेंटेंसेस और आज का वर्ड जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो